क्वेश्चन, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद फोर कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेंस. द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड एज शोन इन फिगर. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. एक जो स्टैंड है, जो पेन का स्टैंड है जिसपे पेन रखा जाता है, ठीक है, वो किस शेप में, वो वुड के, वुड का बना हुआ है और उसका शेप क्या है, क्यूबॉइड के शेप में वो है. ठीक, क्या दिया, विद फोर कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन. यहाँ पे जो चार कोन के डिप्रेशंस दिखाए गए हैं वो किस लिए है, वो पेन को ग्रिप करने के लिए या फिर पेन को पकड़ने के लिए है. ठीक, उसके बाद दिया है द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर. ये जो वुड है जो क्यूबॉइड शेप में है उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसका वो है 3.5 सेंटीमीटर. उसके बाद हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, जो फोर कोनिकल डिप्रेशन है उसके रेडियस क्या दिया हुआ है, हर एक का रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने साइड में फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है. सपोज ये एक कॉनिकल डिप्रेशन है जिसका बेस रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ यानी हाइट कितना है 1.4 सेंटीमीटर. हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. ये जो वुड की वॉल्यूम है ये हमें फाइंड आउट करनी है ये पूरे स्टैंड के लिए, ठीक है. तो जब हम वॉल्यूम ऑफ वुड अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ज्योमेट्रीज मिल रही है, एक क्यूबॉइड की और एक कोनिकल डिप्रेशन की. तो जाहिर सी बात है जो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट जो डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. तो एक तो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम, ठीक. तो सिर्फ हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड स्टैंड ही निकालना है. तो वहां से जो अंदर के जो चार कोनिकल डिप्रेशन है उनको अगर हम एग्जिट कर दें, उनके वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये वुड का जो क्यूबॉइड के शेप में उसका डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे. गिवन लेंथ कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, विड्थ यानी ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है. उसके बाद अब कोनिकल डिप्रेशंस का यहाँ तक बात करेंगे, तो कोनिकल डिप्रेशंस को जो हमने रिप्रेजेंट किया है उसका रेडियस कितना है, फॉर कोनिकल डिप्रेशंस रेडियस कितना है, आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. इसकी जो डेप्थ है यानी हाइट वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये दोनों हमारा आ गया. अब हम जाएंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वुड ही निकालना है हमें इस पूरे स्टैंड के लिए. तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड सिर्फ निकालना है ये पूरे एंटायर स्टैंड के लिए. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ये वुड का हो जाएगा एक जो क्यूबॉइड के शेप में जो हमारा वुड स्टैंड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस, अगर हम ये चारों कॉनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बस हमारे पास क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. क्योंकि यहाँ पे कॉनिकल डिप्रेशन को इंक्लूड नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सिर्फ वुड को ही मालूम करना है. ये हो जाएगा आपका माइनस चारों कॉनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम. तो यहाँ पे चार कोन है तो फोर हम लोग ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ 15 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई एच की वैल्यू कितना है 3.5.
माइनस ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है आपका 0.5 होल स्क्वायर इंटू एच, हाइट जो है आपका वो है 1.4। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 525 माइनस इस फैक्टर को पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.47। ठीक, तो ये जो हमें सॉल्यूशन यहाँ से मिला है 525 माइनस 1.47 ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ फूड हो जाएगा इंटायर स्टैंड के लिए। तो फर्दर इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा 523.23 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इस पूरे इंटायर स्टैंड के लिए हमें कैलकुलेट करके मिला है। स्टार्टिंग में जो गिवन कंडीशंस था वो हमने लिख लिया दोनों के लिए, वुड के लिए और चारों जो कॉनिकल डिप्रेशंस थे उनका रेडियस और हाइट भी लिख लिया था। उसके बाद जो हमें वॉल्यूम मालूम करना था तो उसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से 4 कॉनिकल डिप्रेशंस जो अंदर थे उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास क्या निकल करके आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड जो कि 523.23 क्यूबिक सेंटीमीटर।